अस्सलाम रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मैटर यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ DHA 9 टाउन में, जो कि लोकेटेड है अस्करी 11 के एडजेसेंट में और रिंग रोड से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। DHA 9 टाउन की जो एंट्रेंस है वो रिंग रोड से है, दूसरी एंट्रेंस जो है वो अस्करी 11 से है, तीसरी जिसकी जो एंट्रेंस है वो फिरोजपुर रोड से है और चौथी एंट्रेंस जो है वो DHA के अंदर से है। घर का जो विजिट है वो 5 मरला मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर जो है वो घर कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। घर की डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और रेंटल वैल्यू जो है वो इस वीडियो के अंदर इंक्लूड है, इसलिए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। घर की डिटेल बताने से पहले मैं आपको सराउंडिंग के बारे में बता दूं तो आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर जो है वो प्लॉट खाली है और जो उसके साथ हैं वो जो है वो घर कंस्ट्रक्टेड हैं। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो प्लॉट खाली हैं और उसके आगे जो है वो घर बने हुए हैं। फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल ओपन स्पेस है। तो चले चलते हैं घर की डिटेल की तरफ। फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आप देख सकते हैं वाइट कलर का जो है वो पेंट किया गया है और ग्लास की जो है वो बाउंड्री लगाई गई है। ग्रीन एरिया आप घर का देख सकते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5 फुट के डिस्टेंस के ऊपर है। घर की यूटिलिटीज़ की बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन इंस्टॉल्ड हैं, वाटर सप्लाई के कनेक्शन भी इंस्टॉल है और DHA 9 टाउन में जो है वो अभी स्वी गैस के कनेक्शन इंस्टॉल नहीं किए। रैंप की बात की जाए तो आप इसमें देख सकते हैं टफ टाइल का जो है वो यूज़ किया गया है और गैराज में भी जो है वो आप देख सकते हैं टफ टाइल का यूज़ किया गया है। गैराज में आप देख सकते हैं टफ टाइल का यूज़ किया गया है और जो लेफ़्ट वाली वॉल है वहाँ पर स्टोन का और आर्टिफिशियल ग्रास लगाया गया है। 3-साइडेड जो है ये ओपन है, इसकी आप देख सकते हैं डायमेंशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो स्पेस की है वो 3 फुट है, जहाँ पर जो है वो वाटर टैप जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। किचन की जो है वो 2 एंट्रेंस है, एक बाहर से और एक ग्राउंड फ्लोर के अंदर से। बैक साइड का एरिया आप देख सकते हैं जहाँ पर जो है वो सीवरेज के जो है वो स्पेस बनाई गई है और जो है वो गीज़र इंस्टॉल किया गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के विजिट की तरफ। ग्राउंड फ्लोर बेटर होते ही साथ आप देख सकते हैं इसकी जो है वो मेन डोर है, जिसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर जो है वो फायर फाइटर है। फायर फाइटर जो है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों के अंदर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। इंटर होते ही साथ आप देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर जो है वो TV लॉन्च का एरिया है और इसी के साथ जो है वो अटैच्ड लिविंग रूम है। TV लॉन्च के एरिया में आप देख सकते हैं मीडिया वॉल लगाई गई है और लेफ्ट राइट और टॉप के ऊपर जो है वो बुक शेल्फ बनाई गई है। बैक साइड के ऊपर जो है वो वॉलपेपर इंस्टॉल किया गया है। फ्लोरिंग की बात की जाए तो इसमें जो है वो कंप्लीट टाइल्स का यूज़ किया गया है। सीलिंग जो है वो इसको बिल्कुल प्लेन रखा गया है और टॉप के ऊपर जो है वो सीलिंग फैन रखे गए हैं। वॉल की बात की जाए मेन वॉल पे तो इसको बिल्कुल प्लेन रखा गया है और वेंटिलेशन के लिए जो है वो वाइड विंडो जो है वो रखी गई है। उसके बाद चलते हैं इसका जो मास्टर बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो एक ही मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की फ्लोरिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइल्स की गई हैं और लेफ्ट और राइट जो है वो 2 वेंटिलेशन के लिए विंडो रखी गई हैं। रूम के पेंट की बात की जाए तो इसमें जो है वो डार्क कलर का जो है वो डार्क ग्रे कलर का पेंट किया गया है और इसी के साथ जो है आप देख सकते हैं रूम की जो कबर्ड्स हैं वो रूम ही में रखी गई हैं, जिसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं फ्लोर से लेकर रूफ तक जो है वो कबर्ड्स की डायमेंशन है। रूम के साथ जो है वो अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं इसकी फ्लोरिंग जो है वो स्किन कलर की टाइल्स की गई हैं, लाइट कलर का जो है वो फ्लोरिंग के लिए यूज़ किया गया है और डार्क कलर की जो टाइल्स हैं वो इसकी वॉल्स के लिए की गई हैं। वॉशरूम के अंदर जो है वो कमोड इंस्टॉल किया गया है और इंडियन सीट जो है वो इसमें इंस्टॉल नहीं की गई। उसके बाद चलते हैं किचन की तरफ। किचन जो है वो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर है रूम के, जिसकी आप देख सकते हैं फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट टाइल्स की गई है और अगर हम इसके शेल्फ की बात की जाए तो बिल्कुल वाइट कलर की जो है वो शेल्फ लगी गई है और बर्नर जो है वो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है। फ्लोरिंग आप देख सकते हैं इसकी जो है वो कंप्लीट, सीलिंग जो है वो बिल्कुल प्लेन रखी गई है और ये आप देख सकते हैं इसकी जो दूसरी एंट्रेंस है वो बाहर से है। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर से पहले ही आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो पाउडर रूम है, पाउडर वॉशरूम है।
जिसमें आप देख सकते हैं कमोड का यूज किया गया है और जेट ब्लैक कलर की टाइल जो है वो इसकी वॉल्स के ऊपर लगाई गई है। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर में एंटर होते ही साथ आप देख सकते हैं जो इसकी स्टेयर्स है उस पर जो है वो मार्बल का यूज किया गया है। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो स्टेनलेस स्टील की ग्रिल है जो कि फिनिशिंग का काम जो है वो भी इस घर में बाकी है। मेन एंट्रेंस होते साथ सामने जो है वो टीवी लॉन्च है जिसपे जो है वो वॉलपेपर का यूज किया गया है मेन वॉल के ऊपर। टीवी लॉन्च से लेफ्ट और राइट जो है वो एक दोनों मास्टर बेडरूम है। वन बाय वन हम दोनों रूम्स का विजिट करेंगे। फर्स्ट बेडरूम में आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग की गई है। और वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं कॉर्नर के ऊपर जो है वो विंडो रखी गई है। फ्लोरिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसकी जो फ्लोरिंग कंप्लीट है वो वुडन फ्लोरिंग है। और सीलिंग का डिज़ाइन देखा जाए तो बिल्कुल इसको प्लेन सीलिंग के डिज़ाइन में रखा गया है और मिड में जो है वो लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। रूम के साथ जो है वो अटैच्ड कबर्ड्स हैं। कबर्ड्स की डायमेंशन आप देख सकते हैं फ्लोर से लेकर रूफ तक जो है वो कबर्ड्स की डायमेंशन है। रूम के साथ ही जो है वो अटैच्ड वॉशरूम है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं कंप्लीट टाइल्स का यूज किया गया है और आप देख सकते हैं इंग्लिश सीट लगाई गई है। कमोड का यूज किया गया है, इंडियन सीट जो है वो इसमें नहीं लगाई गई। पोर्टा के जो है वो आप देख सकते हैं सैनिटरी के फिटिंग और फिक्स्चर के इक्विपमेंट लगाए गए हैं। टेरेस की जो एंट्रेंस है वो फर्स्ट बेडरूम से है, वो आप देख सकते हैं इसकी एंट्रेंस जिसमें जो है वाटर टैप जो है वो इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद चलते हैं हम जो इसका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम आप देख सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर है एंटर होते ही साथ, जिसकी फ्लोरिंग कंप्लीट आप देख सकते हैं टाइल्स की गई है। लेफ्ट और राइट जो है वो वेंटिलेशन के लिए दो विंडो रखी गई हैं। सीलिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन सीलिंग इसमें रखी गई है। अटैच जो है वो वॉशरूम है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है टाइल्स का यूज़ किया गया है इसकी फ्लोरिंग के लिए और कमोड यूज़ किया गया है वॉशरूम में। इंडियन सीट जो है वो नहीं लगाई गई। सैनिटरी की बात की जाए तो आप इसमें देखते हैं सोनेक्स के जो है वो सैनिटरी की जो है वो चीज़ें इसमें इंस्टॉल की गई हैं। वॉशरूम के साथ ही जो है वो अटैच्ड कबर्ड्स हैं जिसकी डायमेंशन आप देख सकते हैं फ्लोर से लेकर रूफ तक इसकी डायमेंशन है। उसके बाद चलते हैं ममटी की तरफ जिससे जो है वो आपका मैं स्ट्रीट कवर भी दिखाऊंगा। ममटी के एंटर होने से पहले आप देख सकते हैं ओपन किचन का एरिया है जिसकी जो है वो आप देख सकते हैं शेल्फ जो है वो जेट ब्लैक कलर की है और बर्नर जो है वो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। स्टेयर में एंटर होते ही साथ आप देख सकते हैं कि फायर फाइटर जो है वो इंस्टॉल किया गया है और इसमें भी जो ग्रिल है वो स्टेनलेस स्टील की लगाई गई है। ममटी का साइज यूजली जो है वो स्टैंडर्ड साइज रखा गया है और इसकी फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट टाइल्स की रखी गई है। ये आप देख सकते हैं छत की जो है फ्लोरिंग कंप्लीट जो है वो सीमेंटेड है। सीमेंटेड वाटर टैंक इंस्टॉल किया गया है जिसकी कैपेसिटी प्लास्टिक वाटर टैंक से काफ़ी ज़्यादा है। आप छत से जो है वो स्ट्रीट कवर भी देख सकते हैं। ये स्ट्रीट कवर व्यू, कारपेटेड रोड है। तो ये था व्यूवर्स 5 मंजिला ब्रांड न्यू मॉडर्न डिज़ाइन का विजिट। घर की जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 1,85,00,000 रुपया है और इस एरिया में जो घर की रेंटल वैल्यू है वो 55,000 से लेकर 65,000 के दरमियान है। घर से जो मस्जिद का एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं मस्जिद बिल्कुल इसकी बैक साइड के ऊपर है। दो सौ मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो मस्जिद है।
घर के बारे में मज़ीद डिटेल और इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।